नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और इस चुनाव से पहले जो कोरोना वायरस को लेकर के तमाम बातें हैं, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जुटे थे 9 पार्टियां और उन सभी पार्टियों में शामिल थे राजद, कांग्रेस और रालोसपा के साथ साथ जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं और उस पर चर्चा हो रही थी। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा है लाइव सिटी से खास बातचीत में, सुनिया। शक्ति जी, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महागठबंधन लगातार चुनाव को टालने की बात कर रही या तरीके बदलने की बात कर रही है, ये गलत है? हम चुनाव चाहते हैं क्योंकि बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से त्रस्त हो गई, यहाँ तक आ गई, वो चाहते हैं जल्दी जाए। हम भी चाहते हैं चुनाव जल्द हो, पर पावर हमें ले आना, राजनीति करना, उससे ऊपर जनता की सुरक्षा हम चाहते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव ज़रूर कीजिए। एक बूथ पोलिंग स्टेशन में 1000 वोटर है, आप उसको 250-250 में बांट दीजिए ताकि सोशल डिस्टेंस होगा। चुनाव फर्जी नहीं होना चाहिए, सभी को पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर भाजपा ने तो लूट के पैसे इकट्ठे किए, वो अपना भेज देंगे LED स्क्रीन और वर्चुअल रैली कर ले, वो नहीं होना चाहिए। सभी को ट्रेडिशनल तरीके से प्रचार का टाइम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो करें और हम चाहते हैं कि हो। शुरुआती समय में तेजस्वी यादव लगातार चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे थे कि चुनाव को नहीं कराया जाए, लेकिन अब चुनाव के तरीके को बदलने की बात कही जा रही है। क्या महागठबंधन के दूसरे दल उनके ऊपर कोई दबाव बनाए हैं? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं। हम बैठते हैं, बात करते हैं, आपसी चर्चा करते हैं और जिस पे एक मत होते हैं उसी को लेके आगे चलते हैं। हमारे वहाँ कोई दूराई नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि क्या बिहार में महागठबंधन एकजुट है? क्या तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस मुहर लगाएगी? आपने देखा, जब भी मौका आता है हम साथ मिल के काम करते हैं, जब वो भी मौका आएगा हम बैठ के उसी वक्त पे करेंगे। मौका आप जब कहो तब नहीं होता है, वो हम तय करते हैं कि कौन सी बात कब, क्यों और कहां करनी है और साथ मिलके करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव हम भी चाहते हैं जल्दी हो, लेकिन जो COVID-19 की स्थिति बनी हुई है इस पर भी ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव आयोग को। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते से चुनाव भी कराया जाए और उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े। तो हमारे संवाददाता सौरभ राज बात कर रहे थे शक्ति सिंह गोहिल से। आप हमारे साथ लाइव सिटीज में बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।